अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलाई आलू बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने ये 1 किलो आलू लिए और ये हमने ऑवन कर लिए, उबाल लिए और यानी ग्रेवी के लिए सब सामान लिए। 2 प्याजे लिए बड़ी, ये हमने महीन पीस लिए, पेस्ट बना लिए। 2 टमाटर हैं बड़े, ये भी पेस्ट बना लिए। 1 कटोरी मलाई है, 4 से 5 चम्मच मलाई होगी। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच खटाई है ये पीसी हुई, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच भर के ये लाल मिर्च पाउडर है, 2 चम्मच भर के ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/4 चम्मच चीनी है, कुछ हरी मिर्चें हैं, 4-5 ही हमने ऐसे काट ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है। ये दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ हमने तेल गरम करने रख दिया था और तेल हमारा गरम हो गया। इसमें हम आलू फ्राई करेंगे थोड़े से गुलाबी होने तक। दिखाते हैं आपको, थोड़े थोड़े करके डालें। ये देखिए सब आलू डाल दिए हमने, इन्हें हम तल लेंगे ऐसे हल्के ब्राउन हो जाएं, ये थोड़े गोल्डन से। फिर दिखाते हैं आपको, इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे या ज्यादा 10 मिनट लगेंगे होने में, जब फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे आलू गुलाबी गुलाबी हो गए, हमें ज्यादा गोल्डन नहीं करने और ये सही है। अब हम तेल में से इन्हें सबको निकाल लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने आलू फ्राई करके सब निकाल लिए, हमारे ये गुलाबी गुलाबी हो गए, अच्छा लग रहा है। हम मसाले की तैयारी करते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच ये वाले भर के तेल डाल दिया। अब इसमें हम ये प्याज डालेंगे, प्याज भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, जब तक फ्राई करेंगे इससे प्याज को। देखिए प्याज हमारी गुलाबी गुलाबी होने लगी है, 1 से 1.5 मिनट लगा इसमें भी, अभी 1.5 मिनट और ऐसे पकाएंगे इसे, तो इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए और कच्चापन भी दूर हो जाए। ये देखिए प्याज हमारी गुलाबी हो गई है और इसमें से कच्चा भी नहीं आ रही है, वो कच्चापन भी खत्म हो गया। अब हम इसमें टमाटर प्यूरे डालेंगे, टमाटर प्यूरे जो लिया था हमने वो डालेंगे। इसे भी ऐसे ही भूनेंगे इसके साथ साथ, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसके साथ साथ, हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी डाल के भूनेंगे इसे 5 से 6 मिनट। तो दिखाते हैं आपको, देखिए हमारे मसाले ने सब तेल छोड़ दिया, सब ऊपर आ गया। इसमें धनिया डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे इसी में। मिर्चे भी डाल देंगे इसमें। चीनी ली थी हमने 1/4 चम्मच, वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसे हल्की आंच पर पकाएंगे खूब अच्छे से। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, 1/2 गिलास। हमने 200 ग्राम के करीब पानी लिया, आप देख सकते हैं इसमें सब लिखा हुआ होता है, 200 ग्राम के करीब पानी है। ये इसमें डालेंगे, इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट, जब तक ये पानी खुशक होता है, तेल ना छोड़ देता है मसाला, जब तक पकाएंगे इसे ढक के। मीडियम आंच पे पकाएं। ये देखिए हमारे मसाले को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं सब रोगन आ गया।
सारा तेल ऊपर आ गया। मसाला बिल्कुल भून गया, हम इसमें नमक डालेंगे उसके हिसाब से। और इसी के साथ साथ लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए आप देख के डालें जैसे खाते हो तेज या हल्की। हम थोड़े तेज खाते हैं इसलिए मिर्चें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, आप अपने हिसाब से डालिए। ध्यान से करिएगा, इस स्टेज पर आके ये जो है रोगन उड़ने लगता है, ये ध्यान से भूनिएगा मसाला। एक चम्मच के करीब हमने ये वाले पानी डाला है इसमें थोड़ा सा, ये बहुत उड़ लिया था इसलिए हम इसमें मलाई डालेंगे। ये देखिए हमने मलाई डाल दी है, मलाई डाल के मिक्स कर लेते हैं इसे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ग्रेवी लग रही है इसकी। इसमें सारे मसाले चले गए, इसे भूनना है थोड़ा सा। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। हमने आलू के छोटे छोटे पीस रह गए थे उसमें वो डालें, इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है और मजा भी अच्छा लगता है इसका। ये गोल्डन गोल्डन आलू था, ये सब हमने ग्रेवी में डालेंगे। ये इससे ग्रेवी अच्छी हो जाती है और गाढ़ी भी हो जाती है और मजे में भी अच्छी होती है। अब हम आलू डालेंगे इसमें, देखिए मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं वही ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, इसे मिक्स कर देते हैं। इसमें आलू भी डालेंगे जो हमने फ्राई किया था, आराम से डालें। आप आलूओं को कच्चा भी फ्राई कर सकते हैं, तेल में हमने उबाल के करा था, आप कच्चा भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारे आलू, मलाई आलू। आप हमारे तरीके से जरूर बना के देखिए। देखिए हमने सब आलू डाल दिए इसमें, अभी हम ये खटाई भी डालेंगे जो हमने एक चौथाई चम्मच लिया था खटाई, ये भी डालेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ग्रेवी के लिए, अगर आप सूखा खाना चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं भुना हुआ बिल्कुल। हम थोड़ा सा ग्रेवी के करेंगे, हमने आधा गिलास के करीब पानी डाला इसमें। इतना खाना 8 से 10 लोगों के लिए सही रहता है। हम इसे हल्के आंच से मिक्स करते हैं सब मसालों को। ये देखिए हमने सब चीज डाल दी इसमें और आधा पौन गिलास के करीब पानी डाला था हमने, हमें इतनी ग्रेवी चाहिए। अब ये जरा सा बस 1 मिनट के लिए हम ढकेंगे, बस इसमें उबाल आ जाए फिर दिखाते हैं डिश में निकाल के आपको। इसे ये आलू हो गए हमारे, इसे 1 से 1.5 मिनट हो गया और अब इसमें उबाल भी आ गया, आप देख सकते हैं आराम से। अब देखिए इतने अच्छे से ये पक रहे हैं, और अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं, डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको। हमारे बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए, हो रही है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और मलाई आलू बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चावलों से भी खा सकते हैं, आपका जिससे दिल करे उससे खा सकते हैं ये, और बहुत ही अच्छे लगते हैं ग्रेवी वाले। और पूरी से, चपाती से, पराठे से, किसी से भी खा सकते हैं आप। ये हमारे तरीके से ज़रूर बना के देखिए, और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अगर चाहे आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम जो भी नई रेसिपी डालें सब आपके पास सबसे पहले पहुँचे।
और ऐसी हम आसान आसान चीज़ें और भी तरीके की ऐसी रेसिपी लाते रहेंगे आप सबके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।